सभी दर्शकों का हमारी योजनाओं की सीरीज में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद थपलियाल। इस खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इस सीरीज में हम उन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं, खासतौर पर सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। गौरतलब है कि इस योजना को लागू करने के पहले वर्ष में इसके तहत 17.90 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में कई बैंकों में जनधन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इस योजना के तहत खोले गए कुल बैंक खातों में से 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के उद्देश्य की अगर बात करें तो समाज के वंचित वर्ग अर्थात कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग हेतु किफायती कीमत पर कई वित्तीय सेवाओं पर पहुंच सुनिश्चित करना और इसके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 स्तंभ हैं: बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, खोले गए खाते बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली में ऑनलाइन जुड़े खाते हैं, योजना का मुख्य फोकस हर घर से हटकर हर बैंक रहित वयस्क पर हो गया है, रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ हर घर से 10,000 रुपए की मूल बचत के साथ बैंक खाते, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की अगर बात करें तो बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, बैंकिंग कार्य हेतु बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग करना आदि शामिल है, रुपए डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से इंटर ऑपरेबिलिटी की सुविधा, क्रेडिट गारंटी फंड के निर्माण की व्यवस्था भी है जिससे बकाया मामले में बैंकों को कुछ गारंटी प्रदान की जा सके। बैंक बीमा अगस्त 2018 के बाद खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर राशि का 1 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की उपलब्धियों की अगर बात करें तो अगस्त 2021 में खातों की संख्या बढ़कर 43.04 करोड़ हो गई थी, जो अगस्त 2015 में 17.9 करोड़ थी। इसमें से 55.47% जनधन खाता धारक महिला हैं और 66.69% खाता धारकों में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। साल 2015 से 2021 के दौरान जमा राशि 22.901 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार एक जनधन खाता धारक को उस स्थिति में निष्क्रिय खाता धारक माना जाता है यदि खाते में 2 वर्ष अधिक समय तक कोई भी लेन देन ना हुआ हो। अगस्त 2021 में कुल 43.00 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खातों में से 36.86 करोड़ सक्रिय खाते थे। सक्रिय खातों के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि इस बात का संकेत है कि इनमें से अधिक खाते ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। जनधन दर्शक ऐप की अगर बात करें तो इस ऐप का उपयोग उन गांवों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जहां 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ऐसे गांवों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की अगर बात करें तो पीएमजेकेपी के तहत कुल 30,945 करोड़ रुपए कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा किए गए। सुचारू डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेन देन की अगर बात करें तो लगभग 5 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
यानी डीबीटी प्राप्त कर रहे हैं। योजना के क्या प्रभाव है आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जन केंद्रीकृत आर्थिक पहलों की आधारशिला रखी है, चाहे वो डीबीटी हो या कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन व स्वास्थ्य बीमा कवर, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करता है, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लगभग पूरा कर लिया है। यह गरीबों को उनकी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का एक अवसर प्रदान करती है। गांव में उनके परिवारों को धन भेजने के अलावा उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का अवसर भी प्रदान करती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक रुपया अपने निर्धारित लाभार्थी तक ही पहुंचे और प्रणालीगत रिसाव या लीकेज को रोका जा सके। चलिए चुनौतियों पर नजर डालते हैं। फिजिकल या डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी ग्रामीण भारत के लिए वित्तीय समावेश प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बन रही है। खराब कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग और बैंडविड्थ जैसी समस्याओं से लेकर देश भर के विभिन्न बैंकों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को बनाए रखने हेतु लागत प्रबंधन संबंधित तकनीकी मुद्दे बैंकों को प्रभावित कर रहे हैं। अधिकांश लोग जागरूक हैं, किंतु इसके बावजूद कई लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि वे खाता खोलने की उचित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों से अवगत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ssmsharda.in को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।